कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर वन, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर टू, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर तीन, मास्क पहने और उसे डेली बदलें। नंबर चार, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर पांच, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। Everybody, how are you all? How's the Josh? How's the Wednesday morning, guys? How's the Wednesday morning? How are all my lovely students? Energetic, full of Josh, because on your demand, ma'am has come up with the topic called DNA fingerprinting for boards and for NEET 2020. Right, guys? तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये चैनल आपका है, आपको जो भी पढ़ना है हर सेशन के बाद कमेंट बॉक्स भर दिया करो, क्योंकि मैम जाती है, चेक करती है और मुझे लगता है कि हाँ, माय स्टूडेंट्स नीड दिस टॉपिक, आई कम अप विद द सेशन। राइट गाइस? तो सबसे पहले प्रणाम, सबको गुड मॉर्निंग और सबको हैप्पी वेंसडे। राइट गाइस? तो अब मैं फटाफट से अपने फेवरेट जो कि सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन सबके मैं नाम ले लेती हूँ। आशीष, कुलसुम, मुकेश, रोहित, ललित, सबा, विष्णु, जगमीत, सोनल कुमारी, कृष्णा एंड सचिन, स्तुति, यस स्तुति, टेक्नोलॉजी एंड वी हैव अभिषेक, चेतना। ओके, अभी बहुत तेज चल रहा है हमारा चैट बॉक्स, मैं इतने सारे नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट गाइस नाम नहीं पढ़ पा रही, दैट डजंट मीन आई डोंट नो यू, आई नो यू। ठीक है, सो गाइस शुरू करें आज का सेशन। आज का सेशन है 4 मार्क्स गारंटेड फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग इन जस्ट 20 मिनट्स। आज का सेशन छोटा है, क्विक है और बहुत क्लासी है। ठीक है गाइज, मैं आपको एक सेशन प्लान बता देती हूँ आज के सेशन में होने क्या वाला है। आज के सेशन में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी थोड़े कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स के लिए व्हाट आई वांट, यू शुड हैव योर एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, सबके पास 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए। जिसके पास है अपनी एनसीईआरटी, वो ऐसे हाथ खड़ा कर लो। यस, वो एक बार मुझे बता दो चैट बॉक्स में, यस यू पीपल हैव एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी इज मदर ऑफ ऑल द बुक्स। राइट, एनसीईआरटी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में छिपे मेरे 360 में से एटलीस्ट 350 नंबर, सबके पास एनसीईआरटी। वाओ वाओ वाओ। सेकेंड थिंग, कॉन्सेप्ट्स के बाद मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थर्ड, उसकी मैं बताऊंगी एप्लीकेशन। फोर्थ, उसके बाद होंगे कुछ धमाकेदार सवाल जिससे आपके हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट मक्खन क्लियर। राइट गाइस? तो ये आज का सेशन प्लान, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, क्योंकि गाइस हम 1 मिलियन तक बस पहुंचने ही वाले हैं। बहुत बहुत मजा आ रहा है हमें, क्योंकि आप लोग हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई जस्ट लव दिस। सो गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स, दैट इज वेदांतु नीट मेड इजी चैनल। राइट गाइस? हाय सोनी, सोनी मैंने तेरा नाम ले लिया। ठीक है एंड गाइस, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द मेन थिंग, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्टार्ट करें। How's the Josh? How's the Wednesday Josh? बुधवार का जोश कैसा है गाइस? बता दो जल्दी जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में। हाय रिंकू, खुशबू गर्ग, पुलानी, ऋत्विक, प्रणव, अल्फा, कुलसुम, वी हैव फिजान, कर्णव, निखिल यानी संदीप फ्रॉम कोटा, यस ओके, शक्ति, गौरी। चलो जोश इज हाई, लेट अस स्टार्ट विद डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके गाइस, एंड अ ब्लैंक स्लाइड। खुशी है चैट बॉक्स में? खुशी वार्षने प्रेजेंट है चैट बॉक्स में? ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं अब
खुशी ब्लैंक स्लाइड का मतलब क्या होता है? खुशी हमेशा हमें बताती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैंक स्लाइड, मतलब कि यस चार्मी ने भी बता दिया, जीजी मैम के नोट्स। तो गाइस सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, ठीक है? चलो फटाफट से कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, क्योंकि तुम लोग को यही नहीं पता कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या चीज यूज कर रहे हैं हम, ठीक है? हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? तो गाइस सब इधर देखेंगे कॉन्सेप्ट्स में। फर्स्ट डीएनए, पहला क्या है डीएनए? डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है गाइस? दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल। ये जो डीएनए है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डीएनए, डी फॉर डीएनए, डी फॉर डेंसिटी, यानी ये डीएनए दो हिस्सों में बटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। इस डेंसिटी के आधार पर ये दो हिस्सों में बटा है, एक को कहते हैं हम बल्क डीएनए, एक को कहते हैं बल्क डीएनए, तो दूसरे को हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते गाइस दूसरे को? सैटेलाइट डीएनए, ठीक है? एलेक जेफरी वो बंदा था जिसने ये पूरी टेक्निक डेवलप की, उसका नाम क्या था? एलेक जेफरी। लिखो चैट बॉक्स में गाइस, आज हम याद भी करके जाएंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है? बहुत जरूरी, एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनना और सब कुछ अपनी एनसीईआरटी में लिखना, बहुत मजा आएगा तुम्हें आज के सेशन में, ठीक है? सो डीएनए डेंसिटी के आधार पे दो हिस्सों में बटा हुआ है, बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। और जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है, दिस वाज डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी, और ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ चुका है, तो इसको तो हम बबल में डाल देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है? अब जो ये बल्क डीएनए है, दिस इज 99.9% which is also called as coding DNA, यानी ये काम का DNA। देखो coding से ना मैं क्या शब्द समझती हूँ guys, काम। जगमीत coding से क्या समझते हैं? काम। coding से क्या समझते हैं? काम, ठीक है? यानी जो काम का DNA है उसे हम कहते हैं coding DNA, right जगमीत, राघव, ऋत्विक? coding माने काम, यानी काम का डीएनए, ठीक है? जबकि सैटेलाइट डीएनए इज ओनली 0.1% ऑफ टोटल डीएनए विच इज नॉन कोडिंग। और नॉन कोडिंग को मैं याद रखती हूं निकम्मे से, ठीक है? ये है निकम्मा, यानी काम नहीं करेगा। ये है काम का कोडिंग, यानी ये काम करेगा। तो ट्रिक टू रिमेंबर क्या है, जो कोडिंग डीएनए होता है दिस इज अ काम का डीएनए जो 99.9% होता है, नॉन कोडिंग डीएनए जो होता है आपका निकम्मा होता है, और ये सिर्फ 0.1% होता है जो काम का नहीं होता है, ठीक है? अब इस सैटेलाइट डीएनए में होता क्या है, ये सैटेलाइट डीएनए फिर है क्या? दिस सैटेलाइट डीएनए इज रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सैटेलाइट डीएनए होता क्या है? रेपिटेटिव सीक्वेंस, राइट? अब देखो रेपिटेटिव सीक्वेंस क्या है, जो थोड़े बहुत आलसी लोग होते हैं ना उनके जीवन में होता क्या है, हम टीवी देखेंगे, हम फिर बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद हम खाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा घूमेंगे, फिर आएंगे घर पे, फिर खाएंगे, फिर थोड़ा सा घूमेंगे, यही सब होता है उनकी लाइफ में। कुछ ज्यादा वो काम करते नहीं है तभी हम उन्हें आलसी कहते हैं। तो उनकी जो दिनचर्या है, जो उनका पूरा लाइफ प्लान है, वो क्या है? रिपीटेटिव है, बिकॉज दे आर आलसी। ऐसे जो सैटेलाइट डीएनए है वो नॉन कोडिंग है, ये होता है निकम्मा, ठीक है? और इसकी जो जीवन है दैट इज रेपिटेटिव सीक्वेंस। यहाँ पे क्या है, सब कुछ रेपिटेटिव है। देखो बेटा अगर आप जितना इसे अपनी लाइफ से जोड़ के याद करोगे, आई एम टेलिंग यू आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? तो बेटा इस तरीके से आपको याद रखना है, सैटेलाइट डीएनए इज बेसिकली अ रेपिटेटिव सीक्वेंस। इसमें कोई नयापन नहीं है, इसमें कोई भी नयापन नहीं है, इसलिए इसे रेपिटेटिव सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है? अब सैटेलाइट डीएनए जो होता है ये टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है गाइस, राइट इन द चैट बॉक्स, टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है, ठीक है? पहला लेते हैं हम मिनी
सैटेलाइट, दूसरा हम ले रहे हैं माइक्रो सैटेलाइट। पहला है मिनी सैटेलाइट, दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट। अब ये दो चीजें हमने किन किन आधारों पे डिवाइड की है, यानी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के क्या क्या आधार है। मैं हिंदी में भी बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे भेजा, उन्होंने कहा कि मैम पहले आप हिंदी के कुछ कुछ शब्द यूज करते थे, अब नहीं करते। तो मैंने कहा चलो आज करती हूँ। तो वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन। इन दोनों के क्लासिफिकेशन के 3 मेजर पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन रेपिटिशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपी नंबर। एक सीक्वेंस कितनी बार रिपीटेड है उसे बोलेंगे कॉपी नंबर। क्या बोलेंगे उसे गाइस? कॉपी नंबर। लिखो फटाफट से चैट बॉक्स में, लिखो चैट बॉक्स में देव, फटाफट से लिख बच्चा, जल्दी से लिख चैट बॉक्स में। जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है उसको हम कॉपी नंबर भी कह रहे हैं। कॉपी नंबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कितनी बार एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है उसे कॉपी नंबर। जैसे एक दिन में मैंने 6 बार खाना खाया तो एक ही दिन में 6 कॉपी नंबर है क्योंकि मैंने 6 बार खाना खाया। एक ही चीज मैंने कितनी बार रिपीट की? 6 टाइम्स इन अ डे, दैट इज कॉल्ड एज कॉपी नंबर। ठीक है। दूसरा रेशियो, रेशियो ए टी इज टू जी सी रेशो। कितना ए टी इज टू जी सी रेशो है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बनेगा, ये मिनी या माइक्रो। ठीक है। तीसरा लेंथ, यानी लंबाई। ठीक है। लेंथ ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस कितना है? अगर उसका लेंथ 10 से लेके 60 बेस पेयर है तो उसे बोलेंगे मिनी सैटेलाइट। 10 से लेके 60 बेस पेयर पे मैंने उसे क्या बोला? मिनी सैटेलाइट। गाइस चैट बॉक्स में एक बार लिख दो कि अगर 10 से 60 बेस पेयर का रिपीटेटिव सीक्वेंस है तो उसे मैं मिनी सैटेलाइट बोलूं या माइक्रो सैटेलाइट बोलूं। लिखो चैट बॉक्स में, लिखो चैट बॉक्स में। आज याद करके जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे। पता मैं क्यों पढ़ा रही हूँ ये सब? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है सैटेलाइट डीएनए क्या है, मिनी डीएनए क्या होता है, माइक्रो डीएनए क्या होता है, कुछ नहीं पता बच्चों को, इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज यहाँ से। बिल्कुल सही। देखो मुझे चैट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब मिल रहे हैं, मिनी सैटेलाइट, एब्सोल्युटली। और इन्हीं मिनी सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं VNTRs। ये शब्द तो सुना होगा दया तुमने ये शब्द तो सुना होगा, उसे कहते हैं VNTRs, means variable number tandem repeats। और इन VNTRs की लेंथ कितनी हो सकती है? 10 से लेके 60 बेस पेयर तक हो सकती है। ठीक है। अब आते हैं माइक्रो सैटेलाइट पे। माइक्रो माने और छोटा, और छोटा। ठीक है। तो यहां पे हम जनरली लेते 1 से लेके 8 बेस पेयर। तो अगर सैटेलाइट डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस में सिर्फ 1 से लेके 8 बेस पेयर है एक सीक्वेंस में तो उसे मैं क्या बोलूंगी? मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट? यस, मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट। दया जवाब दो। क्या बोलेंगे, मिनी या माइक्रो? प्रभा लो मैं साइड हो जाती हूँ। अब क्या करें, तुम्हारी मैम तगड़ी इतनी है यार। क्या बोलेंगे उसे? माइक्रो सैटेलाइट बोलेंगे। और इसी का दूसरा नाम है STR। दूसरा नाम क्या है इसका? STR, यानी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। STR का मतलब क्या है? शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ठीक है। तो ये दो शब्द है जो आपको नीट एग्जाम में बहुत बार पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब देखो VNTRs, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये होते हैं मिनी सैटेलाइट, ये होते हैं माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है। इसमें होते हैं 10 से लेके 60 बेस पेयर, जबकि इसमें होते हैं 1 से लेके 8 बेस पेयर। सबको क्लियर है? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो, यस मैम मुझे क्लियर हुआ है जो भी अभी तक आपने बताया है। थैंक यू प्रणव, थैंक यू जगमीत। अगर सबको क्लियर हो गया तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो जिससे कि मैम आगे बढ़ सके, वरना मैम यहीं पे और दम लगा देगी पढ़ाने के लिए। सबको क्लियर है? कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो मुझे बताओ, मैम तुम्हारे साथ है। ठीक है। यस, सबको क्लियर है। वाह मजा आ गया। एनसीईआरटी में लिखा सबने? आर यू राइटिंग दिस इन योर एनसीईआरटी बुक्स?
एब्सोल्युटली थैंक यू चार्मी, थैंक यू नीतू, यश, वी हैव बहुत हर्षित, सोनम चौधरी, वी हैव आंचल, आंचल मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी है, अमित, एंड वी हैव सोनल त्यागी ऑल्सो, ओके पोलानी, चलो वेरी गुड. तो ये तो था हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया. अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो. जो बच्चे लेट आए हैं सेशन में वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले. चलो अब मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ, अब मैं आपको दूसरी चीज बता रही हूँ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? यस. देखो अब मैं यहां पे आपको बता रही हूं VNTR के बारे में. ये जो VNTR होते हैं ये हर एक इंडिविजुअल में, एवरी इंडिविजुअल हैव VNTR, ठीक है, बट हर इंडिविजुअल में इसकी लेंथ और इसका रेपिटेशन इज डिफरेंट. तो बेसिकली इसका लेंथ और इसका कॉपी नंबर अलग होता है. तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या हर इंडिविजुअल में VNTR होते हैं, आपका आंसर यस होगा या नो होगा? टेल मी गाइस इन द चैट बॉक्स, एवरी इंडिविजुअल हैव VNTR, यस और नो? राइट इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी आंसर दो मेरे दया, मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दो. यस, एवरी इंडिविजुअल हैव VNTR, बट फर्क कहां पे है, बट गड़बड़ कहां पे है कि हर VNTR की लेंथ अलग होती है और इन VNTR का रेपिटेशन यानी कॉपी नंबर भी अलग होता है. इन दोनों के आधार पर, इन दोनों के बेसिस पे हम करते हैं DNA प्रोफाइलिंग यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग यानी मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग, DNA प्रोफाइलिंग. VNTR सबके पास है, मेरे पास भी है, मेरे फ्रेंड्स के पास भी है, मेरे रिलेटिव्स के पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है, ठीक है. बट ये इसका लेंथ और इसका कॉपी नंबर दोनों अलग होता है, इसी के बेसिस पे हम करते हैं DNA प्रोफाइलिंग. तो आपको क्या आज ये चीज क्लियर है कि मैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में खोज क्या रही हूं? सबसे पहले VNTR खोज रही हूं, उसका लेंथ देखूंगी और उसका रेपिटेशन देखूंगी. गाइज इज दिस मच क्लियर टू ऑल? इतना सबको क्लियर है? कॉन्सेप्ट हमने बना लिया, अब हम चल रहे प्रोसेस की तरफ. ठीक है, क्लियर? मक्खन क्लियर? मक्खन क्लियर? डन. चलो अब कॉन्सेप्ट के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉन्सेप्ट के बाद अब चलते हैं इसकी प्रोसेस पे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब चल रहे हम इसकी प्रोसेस पे. तो ये थी खाली स्लाइड. आज खुशी वार्षने लगता है नहीं, इश्यू ओके, तबीयत तो खराब नहीं है उसकी, वरना मैं उसे टेक्स्ट करके पूछ लूंगी. यस, चलो देखो इधर DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये तो मैंने आपको पूरा क्लियर कर लिया है. ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रोसेस पे. बायोटेक, एब्सोल्युटली यहां पे आपको यूज करना है अपना बायोटेक. ठीक है, ये तो मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हैं, बट हम आपको बताएंगे देसी तरीके से. क्या बताएंगे हम आपको? देसी तरीके से बताएंगे, जिससे कि आपको आज ही आज याद हो जाए सब कुछ. ठीक है, यस, ये अपना देसी तरीका. ठीक है, चलो बस मेरे साथ साथ फॉलो करते जाओ और प्रोसेस को मक्खन क्लियर करते जाओ. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. बेटा दया गया एक क्राइम सीन पे. दया कहाँ गया? एक क्राइम सीन पे गया. दया ने देखा कुछ, ओ माय गॉड, दया ने देखा वहां पे ब्लड पड़ा हुआ है. दया ने सबसे पहले क्या नोटिस किया क्राइम सीन पे? कि देयर इज ब्लड ऑन द फ्लोर. ठीक है, देयर इज ब्लड ऑन द फ्लोर. तो सबसे पहले दया ने क्या कलेक्ट किया? ब्लड सैंपल. दया ने सबसे पहले क्या कलेक्ट किया? ब्लड सैंपल. ठीक है, अब ब्लड सैंपल में है ब्लड सेल्स और हर ब्लड सेल के अंदर है DNA. क्या है हर ब्लड सेल के अंदर? DNA. तो अब हमें उस DNA को बाहर निकालना है उस सेल से. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोलेशन ऑफ DNA. प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोलेशन ऑफ DNA. अब DNA आ गया. DNA को आइसोलेट करने के लिए आपको पता है क्या क्या यूज करना होता है? लाइपेज एंजाइम, RNAs, प्रोटीएज, फिर चिल्ड इथेनॉल यूज करते हो, फिर उसके स्ट्रैंड आते हो, उसे स्पूलिंग कहते हैं. ठीक है, आइसोलेशन ऑफ DNA किया. अब DNA की लेंथ तो बहुत लंबी थी,
डीएनए की लेंथ बहुत लंबी थी, आपको कैंचियां चाहिए, सीजर्स चाहिए, एंड मॉलिक्युलर सीजर्स आर कॉल्ड एज डैश. मॉलिक्युलर सीजर्स आर कॉल्ड एज डैश. क्या था वो मॉलिक्युलर सीजर? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज मॉलिक्युलर सीजर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट. क्या था उसका नाम? यस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. क्या बात, क्या बात, धो दिया बच्चों, फोड़ दिया, फोड़ दिया, बिल्कुल सही. तो उसके बाद हम यूज कर रहे हैं यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं तो डीएनए के बनते हैं फ्रैगमेंट्स. क्या मिलते हैं हमें? डीएनए के फ्रैगमेंट्स. उन फ्रैगमेंट्स को अलग करना है हमें. कौन सी टेक्निक यूज करूं मैं? आकाश एकेपी, राकेश यादव, रोहित, हाय सोनम. यस सोनम कटियार, मुझे बता बच्चा कि अगर मुझे फ्रैगमेंट्स को अलग करना है सिमी, तो मैं कौन सी टेक्निक यूज करूंगी? इलेक्ट्रोफोरेसिस. शानदार, बिल्कुल शानदार. तो फोर्थ स्टेप क्या होगा? यूज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. यूज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब जो ये जेल है ये किससे बना होता है? ये जेल किससे बना होता है गाइस? ए से स्टार्ट होता है उसका नाम. व्हाट इज दिस जेल मेड अप ऑफ? कौन सा ऐसा केमिकल है जो यूज होता है? मोहित मिश्रा, यस एब्सोल्युटली. जगमीत, सबने सही आंसर दिया, इट इज एग्रोस जेल. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही. अब जब फ्रैगमेंट्स अलग हो गए, अब सब ध्यान से सुनेंगे, अब सब मैम को ध्यान से सुनेंगे. मैम कुछ लेके आ रही है तुम्हारे लिए, ठीक है, समझाने के लिए. ये देखो, लुक एट हियर, सब इधर देखो. मैं बिल्कुल भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ. मान लो कि ये मेरा जेल है, दिस इज माई जेल. डू आई हैव अ मार्कर हियर? नहीं, मार्कर नहीं है मेरे पास यहाँ पे. ओके, दिस इज माई जेल. जेल के ऊपर यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? डीएनए फ्रैगमेंट्स. बट दिस जेल इज अनस्टेबल. ये जेल क्या है गाइस? अनस्टेबल. और वहीं पे मेरे पास है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. ये क्या है? मेरा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ठीक है. अब देखो हुआ क्या, ये जेल है, इसके ऊपर डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, ये अनस्टेबल है, जबकि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, ये स्टेबल है. इसको इसके ऊपर ऐसे देखो, ऐसे लगाना है. लगाया आपने इस तरीके से लगाया. अब जो डीएनए फ्रैगमेंट जेल में थे वो अब किसके ऊपर आ गए? आपके नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ गए. इसी को कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग. क्या कहते हैं गाइस इस टेक्निक को? इस छापने की प्रोसेस को कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग. इस छापने की प्रोसेस को कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग. देखो वापस सुनो, ये मेरा जेल है, जेल के ऊपर क्या है? डीएनए फ्रैगमेंट्स. क्या है? डीएनए फ्रैगमेंट्स. बट ये जेल है अनस्टेबल. ये मेरी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ये है मेरी स्टेबल. अनस्टेबल, स्टेबल. अब इसको ऐसे छाप दिया, छाप दिया. दिस इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग. और अब छापने के बाद जो डीएनए जेल पे था, अब वो किस पे आ गया? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ गया. कहां पे आ गया? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ गया, ठीक है. अब हो गई सदर्न ब्लॉट, लिख लेते हैं यहां पे. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? सदर्न ब्लॉट. सबको क्लियर है? राइट इन द चैट बॉक्स. सबको क्लियर है? आज आपको समझ में आया सदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? सबको क्लियर है सदर्न ब्लॉटिंग होती क्या है? अब देखो नेक्स्ट ट्विस्ट क्या है, दया स्टोरी में ट्विस्ट क्या है. अभी इस मेम्ब्रेन पे डीएनए आके चिपक चुके हैं, बट मुझे तो दिख ही नहीं रहे. तो मुझे देखने के लिए यूज करना होगा प्रोब. क्या यूज करना होगा इन्हें देखने के लिए? प्रोब. बेटा कुसुम लता, मैं अभी इसका डिफरेंस बताती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दे, मैं एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ. मैं तुम्हारे सबके डाउट्स लूंगी, देवांशी मैं तेरा भी लूंगी, ठीक है. अभी देखो, ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, यहाँ पे डीएनए है, बट डीएनए इतना छोटा है कि मेरी आंखों से नहीं दिख रहा है. तो इसे पहचानने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रोब, जो है रेडियो एक्टिव लेबल्ड. So now next step would be hybridization with radio labeled probe. और ये probe जाके सीधा किससे जुड़ेगा? VNTR से, क्योंकि ये है complementary to VNTR.
क्योंकि ये है कॉम्प्लीमेंट्री टू VNTR, ठीक है। आप देखो प्रोब जुड़ गया डीएनए से, डीएनए में भी कहां जाके जुड़ा, VNTR से जुड़ा। अब इसे एक्सरे पास करो ऑटो रेडियोग्राफी शीट पे। जैसे आप एक्सरे पास करोगे तो जितना भी रेडियो एक्टिव प्रोब था ये बिल्कुल चमकने लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, चमकने लगेगा। नील करिया, अरे नील तुम आई थिंक तुमने टेक्स्ट किया था सुबह टेलीग्राम पे, है ना। यस, अब ये चमकने लगेगा ऑटो रेडियोग्राफी शीट पे। सानू मुझसे पूछ रहा, सानू सिंह, कि मैम ये प्रोब क्या होता है। मैं बताती हूँ, प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसके ऊपर आपने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया है, विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कॉल्ड एज प्रोब। और यहां पे दिस प्रोब इज कॉम्प्लीमेंट्री टू VNTR, ठीक है। बिल्कुल सही, समझ में आ गया, सबको क्लियर है, राइट इन द चैट बॉक्स। मैं बेटा ना 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 ना, सिम्मी यूवी रेस बायोटेक में होता है जब आप इथीडियम ब्रोमाइड यूज करते हो। आप देखो कंफ्यूज हो रहे हो, यहां आपने प्रोब लिया है, प्रोब को देखने के लिए आपको एक्सरे चाहिए, इथीडियम ब्रोमाइड को देखने के लिए आपको यूवी रेस चाहिए। बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। अगर इथीडियम ब्रोमाइड है तो यूवी रेस, ठीक है, अगर प्रोब है तो एक्सरे। इस तरीके से दो चीजों को अलग रखो, दोनों को मिलाओ मत, ठीक है। ठीक है खुशी, बिल्कुल प्रभात, वो आपके बायोटेक चैप्टर में दिया हुआ है, वो इल्यूशन के बाद जब आप जेल को देखते हो उसमें यूज होती है इथीडियम ब्रोमाइड। बट यहां पे आप सदर्न ब्लॉटिंग भी कर रहे हो बच्चा, सदर्न ब्लॉट के केस में यू विल पास एक्स रेज। देखो एक्स रे फिल्म दिख रही है, यस, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, राइट, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। वापस देखो एक बार, सबसे पहले आपने ब्लड सैंपल लिया, दया ने जब ब्लड सैंपल लिया तो उसने आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, फिर यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद सदर्न ब्लॉटिंग हो रही है, जो बायोटेक की टेक्निक नहीं थी वहां पे, उस चैप्टर में नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल बताती हूँ सोनम कटियार, रुक जा। फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हो आप प्रोब के साथ, प्रोब जो है रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, VNTR से कॉम्प्लीमेंट्री है, जाके जुड़ जाएगा। अब इसे देखना है आपने एक्सरे फिल्म पे, तो एक्सरे तो पास करोगे गाइज, करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल, ठीक है। चलो समझ में आ गया, टेक द स्क्रीनशॉट, ये पूरा प्रोसेस है आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। थैंक यू फरहान, फरहान आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है दे कैन बी हियर, बट स्पैम करने से चैट बॉक्स को कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। यस, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, लिया सबने। अभी मैं तुम सबके डाउट्स लेने वाली हूँ, सबके डाउट्स लेने वाली हूँ, चिंता मत करो, बी हियर, ओके। फिर उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ये देखो यहां पे क्रोमोसोम 1, 2, 3, तीन तरह के क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 7, 2 एंड 16 लिया। अभी यहां पे देखो ये जितने भी रेड वाले हैं VNTRs हैं, यहां पे देखो इसकी लेंथ अलग, यहां पे येलो वाले की लेंथ अलग, ब्लू वाले की लेंथ अलग, ये इंडिविजुअल ए, ये इंडिविजुअल बी। पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, सदर्न ब्लॉट किया, अब एक्सरे फिल्म पे देख रहे हो, तो ये है इंडिविजुअल ए, ये है इंडिविजुअल बी, और ये है आपका सस्पेक्टेड इंसान। जिससे इसका ज्यादा मैच करेगा, यानी कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया, समझ में आया। एब्सोल्यूटली चित्रा, अकॉर्डिंग टू साइज ही सेपरेट होगा, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल ही यही होता है, ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्लियर। एक बार लिख दो चैट बॉक्स में, ये सारे VNTRs है, इनकी लेंथ अलग थी तो देखो इनकी पोजीशन अलग आई, ठीक है। अब आपने इस वाले इंडिविजुअल से मैच किया, जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी दिखा देगा वही आपका क्रिमिनल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड गाइस। मेरे को बहुत खुशी है कि आज आपके मैंने कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर किए, आई एम रियली हैप्पी। अब आपको क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन जाननी है। एप्लीकेशन क्या है, फोरेंसिक में यूज कर सकते हो, बायोलॉजिकल पेरेंट जानने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, यही सब है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आर यू रेडी नाउ, क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, थोड़ी तो प्रैक्टिस बनती है, उसके बाद मैं सारे डाउट्स लूंगी तुम्हारे, आई विल टेक ऑल योर डाउट्स।
जस्ट पहले क्वेश्चन करते हैं, लेट्स मेक दिस पूरा टॉपिक मक्खन क्लियर, आप दिमाग में बिठा लेते हैं। द टेक्निक टू डिस्टिंग्विश द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द डीएनए प्रिंट पैटर्न इज कॉल्ड, व्हाट्स द आंसर? प्लस फोर किस किस को मिलने वाला है? प्लस फोर, व्हाट्स द आंसर? बेटा सिर्फ पहला पॉइंट नहीं पढ़ने का, सब कुछ पढ़ने का, सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ के नंबर मत कटवाओ, सब पढ़ो। एब्सोल्युटली खुशी आ गई, खुशी आ रही हो कि बच्चा तेरी तबीयत ठीक है? आई वॉज वरिड। क्या आंसर? डी इज आंसर, डी इज आंसर। बेटा देखो नीट में अक्सर क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिखा है एनसीईआरटी ने, बट आपको और शब्दों का भी ध्यान रखना है अपने नीट एग्जाम के लिए। जैसे इसे डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं और मॉलिकुलर फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। तो गाइस ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको याद रखनी है अपने नीट एग्जाम के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिलाइज ऑन, किस चीज के ऊपर रिलाई करती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डिफरेंस इन पैटर्न्स ऑफ जीन्स बिटवीन इंडिविजुअल, डिफरेंस इन ऑर्डर ऑफ जीन्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिफरेंस इन जंक डीएनए पैटर्न्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। जंक माने ट्रैश, ट्रैश माने कचरा, कचरा माने वो जो किसी काम का नहीं होता, निकम्मा होता है। व्हाट्स द आंसर नाउ? व्हाट्स द आंसर? यूज दैट ट्रिक, यूज दैट ट्रिक, ट्रिक यूज करो। जंक माने कचरा, कचरा माने जो काम का नहीं होता, जो वेस्ट होता है। आप देखो यहां पे खो गए, द आंसर इज सी, ठीक है? देखो डिफरेंस इन पैटर्न्स ऑफ जीन्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, नो इस पे नहीं कर रहे हैं हम कोडिंग वाली चीज की बात ही नहीं करते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। गाइस मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो चीज कोड कर रही है आप उसके आधार पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं करते हो, सेम फॉर द सेकेंड, ठीक है? बट जो जंक डीएनए होता है ये वो हिस्सा है जो नॉन कोडिंग होता है, राइट? नॉन कोडिंग मतलब निकम्मा, जिसका कोई काम नहीं है, उसी में ही VNTR छुपा होता है और उसी के बेसिस पर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हो, ठीक है? फन टाइम। बिल्कुल ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर से थोड़ा क्वेश्चन है, रीड आउट द क्वेश्चन गाइस। यस, डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक टू डेमोन्स्ट्रेट द सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट एनिमल स्पीशीज विद रेफरेंस टू सम स्पेसिफिक प्रोटीन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड। यस, यहाँ पे हम जंक डीएनए की बात नहीं कर रहे, बेसिकली ये सब सबके सब तुक्के लगाते हुए, शानदार, सबके सब तुक्के लगाते हुए, धीरज, लुइस, देव, खुशी, सब तुक्के लगा रहे हैं, सबके सब महान है, सब तुक्के लगा रहे हैं क्लास में। इसका आंसर है ज़ूब्लॉट। क्या आंसर है इसका? आंसर ज़ूब्लॉट। चलो इसको समझाती हूं मैं अभी। ज़ूब्लॉट का दूसरा नाम होता है गार्डन ब्लॉट, नाम होता है गार्डन ब्लॉट, ठीक है? अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या था, डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक टू डेमोन्स्ट्रेट द सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट एनिमल स्पीशीज। अब होता है कि आपको पता है एवोल्यूशन एक चीज है जहां पे हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर 6 एप और ह्यूमन का बहुत सिमिलर है, ठीक है? तो ये चीज जब हम चेक करते हैं कि प्रोटीन कितना सिमिलर है स्पीशीज में, प्रोटीन कितना सिमिलर है अमंग डिफरेंट स्पीशीज, अमंग डिफरेंट स्पीशीज, उसी को हम बोलते हैं ज़ू ब्लॉट और गार्डन ब्लॉट। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, सानू सिंह कह रहे मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं बताती हूँ। देख बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज में, क्या उनमें सिमिलैरिटी के लिए हम कौन सा ब्लॉट यूज करते हैं? तो जब हम प्रोटीन का यूज करते हैं सिमिलैरिटी पैटर्न, तो उसे ज़ू ब्लॉट या गार्डन ब्लॉट कहते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल अलीशा, मैंने नहीं बताया था बट अब तो बताया, कुछ तो गड़बड़ है, होती है ना, कुछ तो गड़बड़ होती है ना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। अब गाइस तुम्हें जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं फटाफट से लिखो चैट बॉक्स में, आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चन। आज का सेशन मेरे सारे हीरो बच्चों के नाम, फटाफट से। ब्लॉट क्या होता है? ट्रांसफर, वेस्टर्न ब्लॉट। देखो वेस्टर्न ब्लॉट एंड नॉर्दर्न ब्लॉट दोनों एक साथ बता देती हूं, यही है, ठीक है? चलो स्पेलिंग ठीक कर देती हूं। चलो अब देखो इधर, सब इधर देखेंगे फिर से। ये आ गया हमारा टिश्यू का डब्बा, ये हमारी आ गई शीट,
यानी ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है। अगर इसके ऊपर डीएनए था, अगर इस जेल के ऊपर डीएनए था एंड आई यूज्ड अ शीट, दिस इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉट। अगर इस जेल के ऊपर आरएनए था, अगर इस जेल के ऊपर आरएनए था और फिर मैंने शीट पे से ट्रांसफर किया आरएनए को, इसको बोलेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। अगर इस जेल के ऊपर प्रोटीन था, अगर इस जेल के ऊपर प्रोटीन था फिर मैंने उसे शीट पे ट्रांसफर किया, उसे बोलेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। समझ में आया डिफरेंस? सबको डिफरेंस क्लियर है? नॉर्दर्न ब्लॉट आरएनए, सदर्न ब्लॉट डीएनए, वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन। प्रोसेस सेम है, बस जो चीज है इनिशियल वो अलग है, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर? पक्का? इज इट क्लियर टू एवरीवन? विशु, मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन यू ब्लॉट आरएनए इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, व्हेन यू यूज प्रोटीन ऑन द ब्लॉटिंग शीट इट इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। ये तो लिख लो, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स, ठीक है, ओके। उसके बाद गाइस भूला मत, vdnt.in/medical भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। एंड गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, कल सुबह 11 बजे आपको आना है। क्यों आना है? क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन का टॉपिक है एवोल्यूशन। तो अगर आपको एवोल्यूशन की ट्रिक्स चाहिए तो आना मत भूलना कल सुबह 11 बजे विद ओनली जी स्क्वायर, ठीक है गाइस। और गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक आप नीट मंत्रा पे चाहते हैं आज कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल मेक श्योर कि मैं उस पे नीट मंत्रा बनाऊं। और बेटा प्लीज थोड़े से टॉपिक 12th स्टैंडर्ड के देना, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि बोर्ड्स वालों का भी भला हो जाए नीट वालों के साथ, ठीक है। तो अगर हम 12th के टॉपिक लेंगे तो देखो नीट वालों को तो 11, 12 दोनों करना है, बट साथ के साथ भला किसका हो जाएगा? बोर्ड वालों का भी हो जाएगा। तो 12th के टॉपिक अगर दोगे तो आई विल रियली अप्रिशिएट, ठीक है। एंड लाइक, जाने से पहले लाइक करना मत भूलना, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल, क्योंकि 1 मिलियन का सफर अब दूर नहीं है, बहुत पास है, और उसमें आपका सहयोग पूरा चाहिए। तो मिलते हैं गाइस टुमारो 11 o'clock। बाय।